10 ऑन 10 पेश करते हैं कोलकाता की 10 सबसे अच्छी जगह। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, 10 ऑन 10 में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि कोलकाता की 10 सबसे अच्छी जगह कौन सी हैं। ये वीडियो बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखेगा। और अगर आप आए हैं इस चैनल पर पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह पर क्लिक जरूर कर लीजिए। नंबर 10, इंडियन म्यूजियम। 10वें नंबर पर है इंडियन म्यूजियम, जो कोलकाता में तलतला इलाके में स्थित है। इंडियन म्यूजियम की कोलकाता के मध्य से दूरी 2 किलोमीटर है। इंडियन म्यूजियम कोई आम संग्रहालय नहीं है, बल्कि ये भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। इंडियन म्यूजियम की नींव 1814 में रखी गई थी और इसे प्यार से जादूघर या अजबघर भी कहा जाता है। यहाँ पर देश विदेश की हजारों अनोखी कलाकृतियों का नयाब कलेक्शन आप देख पाएंगे। इंडियन म्यूजियम सोमवार छोड़कर हफ्ते के बाकी दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच देखा जा सकता है। और यहाँ पर एंट्री टिकट के दाम बड़ों के लिए 50, बच्चों के लिए 20 और विदेशी नागरिकों के लिए 500 रुपये हैं। इस संग्रहालय के सबसे पास का मेट्रो स्टेशन पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन है, जो लाइन 1 पर आधे किलोमीटर दूर स्थित है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच होता है और कोलकाता में सबसे ज़्यादा बारिश जून से सितंबर के बीच होती है। नंबर 9, सेंट पॉल्स कैथेड्रल। 9वें नंबर पर है कोलकाता का सेंट पॉल्स कैथेड्रल, जो मैदान एरिया में बना हुआ है और कोलकाता के सेंटर पॉइंट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सेंट पॉल कैथेड्रल 19वीं सदी में बनाया गया एक भव्य चर्च है, जिसका निर्माण गोथिक वास्तुकला के अनुसार किया गया है। इस चर्च के अंदर जाते ही आपको शांति और सुकून का एहसास मिलेगा, जिससे आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। चर्च के चारों तरफ हरे भरे पेड़ और गार्डन एरिया है, जहां पर आप कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। क्रिसमस में ये चर्च रोशनी से जगमगा उठता है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल हर दिन खुलता है, जिसकी टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर मैंने दी हुई है, और यहाँ एंट्री का कोई शुल्क नहीं है। मैदान मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है, जो उत्तर दक्षिणी लाइन पर आधे किलोमीटर दूर बना हुआ है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता का नाम कलिक क्षेत्र शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है काली देवी की भूमि। और कोलकाता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कलकत्ता, भारत की सांस्कृतिक राजधानी, सिटी ऑफ जॉय, फुटबॉल का मक्का, इमारतों का शहर आदि। जो मुख्य शहर कोलकाता के सबसे करीब हैं, वह हैं खड़गपुर, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला। नंबर 8, निको पार्क। 8वें नंबर पर है निको पार्क, जो कोलकाता के विधान नगर में जाकर देखा जा सकता है। निको पार्क की कोलकाता के केंद्र से दूरी 12 किलोमीटर है। निको पार्क एक मौज मस्ती और धमाल वाली जगह है, जहां बच्चे तो बच्चे, बड़े भी जमकर एंजॉय करते हैं। निको पार्क पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे अच्छा वाटर और एम्यूजमेंट पार्क है, जिस वजह से इसे पश्चिम बंगाल का डिज्नीलैंड भी कहा जाता है। इस वाटर पार्क की एक खासियत ये भी है कि यहाँ सेफ्टी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जिससे आप सिर्फ मज़ा करें और बाकी सारी टेंशन भूल जाएं। निको पार्क हर दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर 2 मुख्य तरह की टिकट्स उपलब्ध हैं। 300 रुपये की टिकट में प्रवेश के साथ कुछ चुनिंदा राइड्स उपलब्ध हैं। वहीं 850 रुपये की टिकट में सारी राइड्स का लुत्फ लिया जा सकता है। लाइन 2 पर सेक्टर 5 का सॉल्ट लेक मेट्रो स्टेशन निको पार्क से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस मेट्रो पार्क के ठीक सामने नलबन मेट्रो स्टेशन भी जल्द शुरू होने वाला है, जो लाइन 6 पर है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता की सबसे लोकप्रिय मार्केट हैं न्यू मार्केट, पार्क स्ट्रीट, गरियाहट मार्केट, हावड़ा फूल बाजार, कॉलेज स्ट्रीट और हटी बागान। और कोलकाता की कुछ खास चीज़ें जो आप खरीद सकते हैं, वह हैं कांथा, बलूचारी और टंट सारीज, टेरेकोटा से बनी चीज़ें, शोला पीठ हैंडीक्राफ्ट और डोकरा क्राफ्ट। नंबर 7, बेलूर मठ। 7वीं पोजीशन पर है कोलकाता का बेलूर मठ, जो हावड़ा क्षेत्र में हुगली नदी के तट पर बना हुआ है। कोलकाता के मध्य से ये मठ 9 किलोमीटर दूर है। ये मठ एक ऐतिहासिक जगह है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय भी है, जहां से विश्व में शांति का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहां पर हर धर्म के अनुयायियों का स्वागत किया जाता है, जो यहां आरती में शिरकत कर सकते हैं, यहां का संग्रहालय देख सकते हैं या यहां की लाइब्रेरी में रखी धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं।
बेलूर मठ हर दिन सुबह 8:30 से 11 और दोपहर 3:30 से शाम 5:15 बजे तक खुला रहता है और यहाँ एंट्री का कोई अलग से शुल्क नहीं है। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन यहाँ से सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है जो लाइन 1 पर 4 किलोमीटर दूर है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता की जो डिशेस सबसे ज्यादा जायकेदार हैं वह हैं आलू टोकरी, आलू पोस्तो, शुक्तो, पुचका, रसगुल्ला, चमचम और मिष्टी दोई। साथ ही कोलकाता के सबसे धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व हैं दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, जमाई षोष्ठी, काली पूजा, भाई पोतो, कोलकाता इंटरनेशनल सिनेमा फेस्टिवल और कलकत्ता बुक फेयर। नंबर 6, अलीपुर जू। 6 नंबर पर है अलीपुर जू, जो अलीपुर एरिया में है और कोलकाता के केंद्र से 4 किलोमीटर दूर है। ये चिड़ियाघर भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और कोलकाता का एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट भी है। अलीपुर जू में आप अनेक प्रजाति के खूबसूरत पक्षी, सफ़ेद बाघ, मोर, गेंडा, हाथी एवं अन्य जानवर देख पाएंगे। पीक सीजन में यहाँ हर दिन लाखों टूरिस्ट आते हैं और इन विभिन्न जीवों को देखकर जाते हैं। अलीपुर जू सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है और ये हफ्ते के 7 दिन खुलता है। अलीपुर जू में बड़ों की टिकट 30 रुपये की और बच्चों की 10 रुपये की है। मेट्रो से अलीपुर जू पहुँचने के लिए आपको नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा जो जू से 2 किलोमीटर दूर लाइन 1 पर स्थित है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता को टैक्सी, कैब, मेट्रो, ट्रैम, बोट, बस, रिक्शा और ऑटो रिक्शा के द्वारा देखा जा सकता है। अगर आपको कोलकाता घूमने से जुड़ी कोई सहायता चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दर्शाए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर 5, हावड़ा ब्रिज। 5वें स्थान पर आता है हावड़ा ब्रिज, जो हुगली नदी पर है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इस ब्रिज की कोलकाता के मध्य से दूरी 2 किलोमीटर है। हावड़ा ब्रिज को कोलकाता का ताज या कोलकाता की जीवन रेखा कहना गलत नहीं होगा। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु नाम से भी जाना जाता है, जहां से लाखों नागरिक रोजाना गुजरते हैं। इस ब्रिज में पैदल यात्रियों के लिए भी रास्ता बना हुआ है, जहां से आप हुगली नदी और कोलकाता शहर का एक दिलकश नज़ारा देख सकते हैं। रात को ये लाइटों की रोशनी में नहाकर और भी खूबसूरत लगता है। हावड़ा ब्रिज को किसी भी दिन और किसी भी समय देखा जा सकता है और यहाँ जाने की कोई भी टिकट नहीं लगती है। लाइन 1 पर बना MG रोड मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस ब्रिज के बगल में बन रहा हावड़ा मेट्रो स्टेशन भी जल्द चालू होने वाला है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता के मुख्य बस स्टैंड हैं बाबूघाट बस स्टैंड, जो BBD बाग में है, और एस्प्लेनेड बस स्टैंड, जो मैदान क्षेत्र में है। कोलकाता शहर का मुख्य हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दमदम में है, और कोलकाता में एक छोटा एयरपोर्ट भी है जो बेहाला एरिया में है। कोलकाता शहर में 4 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जो हैं हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, राजा बाजार में बना सियालदा रेलवे स्टेशन, बेलगाचिया में बना कोलकाता रेलवे स्टेशन और काजीपाड़ा में बना शालीमार रेलवे स्टेशन। देश के अन्य बड़े शहरों से कोलकाता जाने वाली ट्रेनों की सूची मैंने आपकी हेल्प के लिए स्क्रीन पर दी हुई है। नंबर 4, साइंस सिटी। 4th पोजीशन पर आया है साइंस सिटी, जो ईस्ट तोपसिया जगह पर स्थित है। विज्ञान की इस नगरी की कोलकाता के मध्य से दूरी 10 किलोमीटर है। साइंस सिटी को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना था और ये इस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल भी हुआ है। यहाँ के कुछ विशेष आकर्षण हैं 3D स्पेस थिएटर, जुरासिक पार्क, टॉय ट्रेन, रोप वे और टाइम मशीन। चाहे आपको साइंस में लगाव हो या नहीं, ये साइंस सिटी आपको यकीनन निराश नहीं करेगी। साइंस सिटी सुबह 9 बजे खुलती है और रात 8 बजे बंद होती है और यहाँ हफ्ते के किसी भी दिन जाया जा सकता है। साइंस सिटी में एंट्री टिकट 60 रुपये की है, जो आपको सिर्फ एंट्री प्रदान करती है। अलग अलग सेक्शन देखने के लिए आपको और शुल्क चुकाने पड़ेंगे। रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लाइन 1 पर है, लेकिन जल्द ही 1 किलोमीटर दूर लाइन 6 पर बना वरुण सेनगुप्ता मेट्रो स्टेशन भी चालू होने वाला है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जहाँ लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और कोलकाता में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। नंबर 3, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। 3rd नंबर पर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो शहर के उत्तर में स्थित है और शहर के मध्य से 14 किलोमीटर दूर है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता का एक अहम धार्मिक स्थल है और ये काली देवी की अवतार भूपत रानी को समर्पित है।
यहाँ की मान्यता के अनुसार भूवत रानी देवी पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। इस मंदिर की इमारत बाकी मंदिरों से काफी अलग है और देखने में काफी आकर्षक लगती है। दक्षिणेश्वर मंदिर सुबह 6 से रात 9 बजे के बीच किसी भी दिन देखा जा सकता है और यहाँ पर एंट्री की कोई टिकट नहीं है। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन यहाँ से बेहद करीब लाइन 1 पर बना हुआ है, जिसका डिजाइन इस मंदिर के जैसा बनाया गया है। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता में हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 908 है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 14,500 लोग रहते हैं। नंबर 2, इको पार्क। इको पार्क है दूसरे नंबर पर, जो कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में है और कोलकाता के सेंट्रल से 18 किलोमीटर दूर है। इको पार्क भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक है और 475 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आपको दुनिया घूमने का मन है तो जनाब पहले आप ये पार्क आकर जरूर घूमिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इको पार्क में देश विदेश के लोकप्रिय स्मारकों के हूबहू दिखने वाले प्रतिरूप भी बने हुए हैं। इको पार्क मंगलवार से शनिवार सुबह 12 से शाम 7:30 और रविवार को सुबह 11 से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। मंडे को इको पार्क बंद रहता है। इको पार्क में प्रवेश टिकट के दाम 30 रुपए हैं। दमदम मेट्रो स्टेशन यहाँ से 9 किलोमीटर दूर लाइन 1 पर है और जल्द ही आधा किलोमीटर दूर बन रहा न्यू टाउन मेट्रो स्टेशन भी चालू हो जाएगा। कोलकाता सुपर टिप। कोलकाता घूमने के लिए 3 से 5 दिन बेस्ट रहेंगे और यहाँ प्रति व्यक्ति घूमने का खर्च 4.5 से 7.5 हजार के बीच आएगा। कोलकाता में सबसे ज्यादा होटल पार्क स्ट्रीट, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक सिटी, अलीपुर और रेलवे स्टेशन के करीब हैं। नंबर 1, विक्टोरिया मेमोरियल। पहले नंबर पर है विक्टोरिया मेमोरियल, जो क्वींसवे में है और कोलकाता के सेंट्रल से 2 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। विक्टोरिया मेमोरियल सुंदर हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है। इमारत के अंदर आप म्यूजियम भी देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन हर दिन सुबह 5:30 से शाम 6 बजे तक और म्यूजियम सोमवार के अलावा बाकी दिन 10 से 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ गार्डन की एंट्री टिकट 20 रुपये और म्यूजियम की 30 रुपये की है। विक्टोरिया मेमोरियल का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन मैदान मेट्रो स्टेशन है। इस वीडियो का प्रश्न ये है कि आप कोलकाता में किस जगह दुनिया के दूसरे लोकप्रिय स्मारक भी देख सकते हैं। कमेंट से जवाब देने के बाद स्क्रीन पर आ रहा हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।